please subscribe Blackytec channel, hit the bell icon to receive the notification. Hello everyone, welcome back. मैं राज और आज इस वीडियो में आप सभी से Motorola One Power के कैमरा के ऊपर डिस्कस करूँगा. सो बेसिकली एंड्रॉयड पाई अपडेट के बाद कैमरा में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और कैमरा क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, ऐसा Motorola का कहना है. रिसेंटली Motorola ने एक वीडियो रिलीज़ किया है जहाँ पर उन्होंने 9 लेटेस्ट फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है Motorola के. तो चलिए देखते हैं इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है और क्या क्या एनहेंसमेंट हुए हैं इस फ़ोन में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र इंटरफेस सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है और एक्सपेक्टेशन था भी नहीं Motorola से. बट यहाँ पे देख सकते हैं आपने अभी जस्ट एक आइकन ब्लिंक हुआ जो कि नाइट मोड के लिए यूज़ होता है. सो दिस टाइम दे हैव एडेड अ नाइट मोड इन दिस कैमरा. और क्वालिटी उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है क्योंकि इसमें सोनी सेंसर्स लगे हैं और कैमरा भी एक प्लेन कैमरा है. बट Motorola ने इस बार थोड़े फीचर्स ऐड किए हैं और फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी थोड़े फीचर्स ऐड किए हैं और बैक कैमरा में उन्होंने जो एक्सपर्ट मोड है उस पर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं. तो चलिए देखते हैं. और आप देख सकते हैं इस पर पहले जूम करने पे 8x पे ये फ़ोटोज़ फट जाती थी, बट अभी इतनी फटती नहीं है. क्वालिटी ठीक है जूम करने पे भी, बट विदाउट जूम फ़ोटोज़ अभी अच्छी आ रही हैं. और एक एक फ़ोटो की साइज़ कम से कम 5 से 8 MB जा रही है. तो बेसिकली इन्होंने क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव की है, पिक्सल्स अभी फट नहीं रहे हैं और थोड़े अच्छे से हैं. चलिए देखते हैं इसका एक्सपर्ट मोड में क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नए आइकन्स दिख रहे हैं और फंक्शंस जो ऐड किए हैं Motorola ने. तो सबसे पहला तो वाइट बैलेंस था और आप ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेचुरेशंस एंड ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे ISO भी एडजस्ट करने के लिए आपको ऑप्शंस ऐड किए जो कि बेसिकली एक DSLR और हाई कैमरास के फीचर्स हैं. तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स ऐड किए Motorola ने फाइनली. और यहाँ पे इवन आप कैमरा के शटर स्पीड पे भी चेंजेस कर सकते हैं जो कि कभी किसी फ़ोन पे शटर स्पीड को लेके सेटिंग्स देखने नहीं मिलती है, बट दिस टाइम Motorola ने और एंड्रॉयड पाई पे ये सारे फीचर्स अवेलेबल किए गए हैं गूगल की ओर से, तो जो कि एक अच्छी बात है. और इस फोन का एक कैमरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देता था पहले, बट अभी अपडेट के बाद ये एक्सपर्ट मोड में थोड़ी अच्छी फ़ोटोज़ ले रहा है. मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हैं आपसे. नेक्स्ट वीडियो जो मैं कैमरा के ऊपर बनाऊंगा उस पर मैं आपको सैम्पल शॉट्स भी शो करूंगा, बट यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है कैमरा की. तो आप देख सकते हैं जूम भी सब ठीक है और यहाँ पे आपको मैनुअल फोकस मिलता है जहाँ पे आप मैनुअली फोकस एडजस्ट कर सकते हैं मैक्रो या इन्फिनिटी पे. तो आपको टच करने का और टैप करने का ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसको अप एंड डाउन कीजिए और जहाँ तक आपको फोकस चाहिए वहाँ पे रख के आप फोटो क्लिक कर सकते हैं. तो ये बेसिकली बहुत अच्छे फंक्शंस इसमें ऐड किए गए हैं एक्सपर्ट मोड में. और इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा भी बहुत अच्छा है. फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं. जैसे कि देख सकते हैं पहले फ्रंट फेसिंग कैमरा में हमारे पास जूम का ऑप्शन नहीं था, बट दिस टाइम फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी 8x जूम का ऑप्शन अवेलेबल है जो कि बहुत ही अच्छा है, बिकॉज फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 12 MP का एक अच्छा खासा कैमरा है. और दिस टाइम फाइनली एक पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल किया गया है गूगल की ओर से और Motorola ने इस पर काम भी किया. तो अब इस पर पोर्ट्रेट शॉट भी ले सकते हैं आप, अपने पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है. और फ्रंट फेसिंग कैमरा में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट अब फ्रंट फेसिंग में भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा में. और बैक कैमरा में तो पहले से ही 4K वीडियोज़ आप शूट कर सकते थे, बट जो कि 4K वीडियोज़ पे बहुत सारे मीन्स स्टेबल नहीं रहता था, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र ऐड नहीं किया गया था और वो भी इस बार ऐड कर दिया गया है. और यहाँ पे चलिए देखते हैं एक पैनोरामा शॉट लेके, क्योंकि पैनोरामा इस बार ऐड किया गया है इस फ़ोन में. तो देखते हैं कि किस तरीके का ये पैनोरामा शॉट लेता है और चलिए देखते हैं क्लिक करके कि कैसी फ़ोटो आई है. थोड़ा लोड लेने में टाइम ले रहा है जबकि इतना टाइम लेना नहीं चाहिए इसे एक पैनोरामा सेव करने के लिए. तो आइए देखते हैं पैनोरामा कैसे सेव हुआ है और क्या क्वालिटी है पैनोरामा की. ओ बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक 3D पैनोरामा शूट किया है इसने. ओके सो हम यहाँ पे 360 फोटोज़ भी निकाल सकते हैं इस फ़ोन पे ये पैनोरामा में,
ये कूल फीचर ऐड किया गया है इस फ़ोन पे, बेसिकली ये किसी फ़ोन पे देखने नहीं मिलता है, बट फाइनली एंड्रॉयड 5 पे और मोटरोला के फ़ोन पे ये फीचर देखने के लिए मिल रहा है। और आप क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी ली है इसने, जितना मैंने फ़ोटो खींचा उतनी परफेक्टली इसने मर्ज किया है दोनों फ़ोटोज़ को, और पैनोरामा का क्वालिटी बहुत अच्छा था। ये एक इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जहाँ पे 360 व्यू का आप एक फ़ोटो ले सकते हैं। बेसिकली ये फेसबुक पे अवेलेबल रहता है नॉर्मल कैमरास के साथ, बट अब ये आपको नॉर्मल कैमरा ऐप में भी मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो क्वालिटी के लिए, वी हैव 4K 1080p और 720 पे ये शूट कर सकता है। तो बैक कैमरा इस फ़ोन का अच्छा है और वीडियोज़ क्वालिटी अच्छी लेता है, बट स्टेबल नहीं था, तो अभी भी स्टेबलाइज़र नहीं दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र नहीं दिया गया इस ऐप में। वीडियो थोड़ा शेकी है, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि नेक्स्ट अपडेट में इम्प्रूव किया जा सकता है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम करने में भी फ़ोटोज़ फट नहीं रही है, वीडियोज़ क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे एक फ़ीचर और ऐड किया गया है, आप वीडियो लेते लेते आप फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं इस एप्लीकेशन में, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये पहले नहीं था कि पहले आपको वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते थे, बट इधर इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट वीडियो के लाइव होते हुए भी आप एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग फीचर है। और ये आजकल सारे फ़ोन्स में अवेलेबल रहता है, बट मोटोरोला कहीं ना कहीं पीछे रह गया था बेसिक फंक्शंस ऐड करने में इस फ़ोन पे, बट उसने बाकी ये फ़ोन का हार्डवेयर बहुत ही अच्छा है एंड सॉफ्टवेयर तो अभी धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा रहा है हर अपडेट पर, बट एक्सपेक्टेशन बहुत है इस फ़ोन से। बट अभी भी मोटोरोला अपडेट से इसके जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व कर सकता है। अभी भी बहुत लोगों को ब्राइटनेस की इशू आ रही है इस फ़ोन पे, देन दे आर फेसिंग इशू विद द नेटवर्क बिकॉज ड्यूल वॉल्टी करने से अभी भी नेटवर्क्स नहीं आते हैं। बहुत लोगों का कंप्लेंट है कि कॉल रिसीव नहीं होता है, सामने वाले बंदे को आउट ऑफ या स्विच ऑफ फ़ोन बताता है जबकि यहाँ पे नेटवर्क रहता है। तो यहाँ पे इस फ़ोन पे अभी भी बहुत सारा इशू है, जैसे नेटवर्क को लेके, ब्राइटनेस को लेके, और मैंने भी अभी थोड़ा फील किया है कि फ़ोन कभी कभी समटाइम्स हैंग भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, इतने सारे ऐप्स नहीं भी हैं बट स्टिल फ़ोन हैंग हो रहा है। तो ये एक छोटा सा कैमरा रिव्यू था मेरी ओर से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।